नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। नए अध्यक्ष पद की रेस फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में है। दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस ने सरकार से हटकर संगठन में काम करने की इच्छा केंद्रीय नेतृत्व के सामने जाहिर की। हालांकि उस वक्त उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था और ना ही इस पर कोई फैसला लिया गया था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक फडणवीस को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले जेपी नड्डा संभाल रहे थे, लेकिन मोदी 3.0 सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये चर्चा लंबे समय से चल रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा की जगह ले सकते हैं। फडणवीस ने अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद से इस बात की चर्चा और भी तेज हो गई है कि आलाकमान उनको पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकता है। वह लगातार पार्टी का भरोसा जीतते रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जिसके जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे पता चलता है कि पार्टी को उन पर अब भी पूरा भरोसा है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें फडणवीस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद महाराष्ट्र के साथ हमेशा ही रहा है और आगे भी रहेगा। उनसे मिलकर हर बार एक नई ऊर्जा मिलती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। देवेंद्र फडणवीस के पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। आरएसएस में भी उनकी अच्छी पेठ मानी जाती है। मोहन भागवत से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उनको परफेक्ट कैंडिडेट माना जा सकता है। जेपी नड्डा की जगह पार्टी को अब नए अध्यक्ष की तलाश है, जिस पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। फडणवीस के नाम की चर्चा राजनीतिक हलकों में तेजी से हो रही है। हालांकि अब तक इस पर पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी के सीनियर नेताओं में शामिल हैं। उनका नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में है। हालांकि ये जिम्मेदारी किसको मिलती है, ये तो समय ही बताएगा।